और इसी के साथ ही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। झांसी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। झांसी में चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने बस से एक कछुआ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बस सवार एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस ने तस्कर के पास से 460 कछुए जिंदा बरामद कर लिए हैं। तस्कर कानपुर से मालेगांव जा रहा था, जिस दौरान पुलिस ने चेकिंग के दौरान इस तस्कर को धर दबोचा है। मोड़ थाना क्षेत्र के पुलिस टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर एक कछुआ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर कछुआ तस्कर को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 460 कछुए भी बरामद किए गए हैं। मोड़ थाना क्षेत्र से पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और ये जो तस्कर है, आपको बता दें, कानपुर से मालेगांव की ओर जा रहा था और इस दौरान पुलिस ने चेकिंग कर इस तस्कर को गिरफ्तार किया है और इसके पास से 460 कछुए बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें, लगातार कछुआ तस्करी पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और पुलिस कछुआ तस्करों को गिरफ्तार कर रही है, चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि ताजा मामला सामने आया है, जहां पर एक तस्कर के पास से 460 कछुए जिंदा बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, ये आरोपी तस्कर बस में सवार होकर कछुओं को तस्करी के लिए ले जा रहा था। आपको बता दें, कछुओं की तस्करी की जाती है और चाइना में भी कछुए बेचे जाते हैं, जिसकी वजह से ये तस्कर गिरोह जो है काफी एक्टिव हो गया है और भारत के कई हिस्सों में पुलिस की तरफ से छापेमारी कर कछुओं को बरामद किया जा रहा है और कछुआ तस्करों पर ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां पुलिस ने बस से जा रहे कछुआ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 460 कछुए जिंदा बरामद किए गए। और इसी बीच नई दिल्ली की ओर करेंगे, जहां नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2020 और 21 की तीसरी तिमाही में बचत में कमी देखने को मिली है। ऐसा लगातार दूसरी तिमाही में देखने को मिला है, जहां परिवारों की वित्तीय बचत घट गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में वित्तीय बचत 10.4% थी और पहली तिमाही में यह 21% रही। हालांकि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण वित्तीय बचत में कमी देखने को मिली है। बचत को लेकर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि 9 महीने के आंकड़ों को अगर एक साथ देखा जाए तो वित्तीय सेविंग पैटर्न है वो ज्यादा खराब नहीं दिखाई पड़ रहा। ऐसे में वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में वित्तीय बचत काफी बेहतर रही थी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां 25 जून को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कानपुर के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति कोविंद 28 तारीख को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अपनी 2 दिनों की लखनऊ यात्रा पर निकलेंगे। इस बीच 29 जून को राष्ट्रपति एक विशेष विमान से दिल्ली वापस लौटेंगे। आपको बता दें कि प्रेसिडेंशियल ट्रेन कानपुर देहात के 2 छोटे स्टेशनों यानी झिंझक और रूरा पर रुकेगी, जहां राष्ट्रपति कोविंद अपने स्कूल के दिनों के और समाज सेवा के शुरुआती दिनों के परिचितों से मुलाकात करेंगे। और इसी साथ ही आपको बता दें कि जिन 2 छोटे स्टेशनों पर प्रेसिडेंशियल ट्रेन रुकेगी, वो दोनों ही स्टेशन राष्ट्रपति कोविंद के जन्म स्थान कानपुर देहात के परौंक गांव के नजदीक है। ऐसे में राष्ट्रपति के पैतृक गांव में 27 तारीख को उनके सम्मान में 2 अभिनंदन समारोह भी आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति अपने जन्म स्थान का ये पहला दौरा करने जा रहे हैं, जहां राष्ट्रपति इससे पहले भी अपने जन्म स्थान जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण वो जा नहीं सके।